खुश आमदीद। वेलकम टू अरशान जुमानी चैनल। आज हम आए हुए हैं परेड हॉल कराची आर्ट्स वर्कशॉप देखने के लिए। पेंटिंग करती हुई एक तोशीदा से जो बहुत ही फेमस पेंटिंग बना रही हैं और हम उनसे इंटरव्यू लेते हैं कि वो क्या बना रही हैं और उनके ख्यालात क्या हैं। तो जी मोहतरमा, आप कहाँ पे मौजूद हैं और क्या सोच के आप ये पेंटिंग बना रही हैं? मुझे इस पेंटिंग में एक अकेली तनतनहा लड़की दिखाई दे रही है, क्या सोच रही होगी वो खुद कैरेक्टर भी, क्या बता सकती हैं? मैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं क्रिसेंट आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ और ये लड़की जो है ये शहजादी है, ये अपनी कहानी खुद लिखने वाली शहजादी है, फूलों में रहने वाली। तो ये अकेली क्यों है? क्योंकि उसे दुनिया ने इतना ज्यादा सबक सिखा दिया, उसे अकेले रह के अपनी अपने आप को तलाश करना है, इसलिए वो अकेली है। तो वो फूलों के दरमियान क्यों है? और माजरत, मुझे ये फूल कम पत्ते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुई है चली, वो जंगल में, जंगल में मंगल, मतलब जंगल में अकेली। डिस्कवर योरसेल्फ, वो अपनी सेल्फ को डिस्कवर करने आई है जंगल में, और ऐसी चीजें सिर्फ नेचर में वो हो सकती हैं। वाओ, मतलब इस मुबारक महीने में वो जंगल में है, मतलब अपने सेल्फ को डिस्कवर कर रही है। इस मतलब मैं मुबारक महीने, मुबारक हफ्ते से मुराद मेरा, सो गलत मतलब ना लें। तो जनाब, आप क्या बना रहे हैं और क्या सोच है जिसको मुसव्वरी में मुंतकिल करने की ख्वाहिश रखते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान राहिमो है, मैं फाइन आर्ट में MA फाइन आर्ट किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, और मैं तकरीबन 20 साल से ड्राइंग पिक्चर के शोबे से वाबस्ता हूँ, और मैं DHA के इंस्टीट्यूट्स में आर्ट एंड क्राफ्ट बनाता हूँ, और मेरा शौक है आर्ट का, और मैं नेचर का आशिक हूँ, और मैं नेचर जो दिखता है उसको पेंट करने की मैं कोशिश करता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप पूछ रहे हो, मतलब आप है ना छुपी भी आर्टिस्ट हैं आप, अपनी है ना, अगर आपने अपनी स्किल को आइडेंटिफाई इस एज में भी किया है ना, तो ये बड़ी बात है और ये नहायत ही काबिले तारीफ है। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन रियली। We'll be right back.
कि आपने किससे इंस्पायर होकर क्या दिखाने की कोशिश की है? करें और अरशान जुमानी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।